9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Turn on zombie apocalypse. तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी तो फिलहाल अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ऑलमोस्ट 5 मिनट में 4 बंदा मतलब कि 4 बंदा और 4 लाइक के साथ 1 कमेंट के साथ हमारा वीडियो स्टार्टिंग हो चुका है। काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग रहा है ब्रो, तो थैंक यू आप लोग को। बस इतना ही कहूँगा कि और ज़्यादा आप लोग जल्दी देखें हमारे वीडियो को। तो फिलहाल अभी तो सुबह के बज रहे अभी 10, जो कि मैंने अभी फटाफट वीडियो अपलोड किया। कल आपने देखा होगा, कल मैंने एक वीडियो डाला था जो कि रात को डाला था ऑलमोस्ट 8:15 में, क्योंकि एक हमारे पड़ोस में एक घर था जिनके घर में आग लग गया था, तो मैंने वहाँ गया, मुझे बुलाया गया ब्लॉगिंग करने के लिए। तो बट बोला कि यहाँ का वीडियो बना के बेटा तुम अपने यूट्यूब पर डाल दो, तुम अच्छा वीडियो बनाते हो बेटा, मैंने देखा ऐसे से मतलब कोई बड़े आदमी ऐसे करके बोले, और फिर काफ़ी ज़्यादा वहाँ मुझे रिस्पेक्ट भी मिला। तो मैं दिल से शुक्रिया बोलता हूँ उन सबको जो काफ़ी अच्छा मेरा रिस्पेक्ट किए हैं। थैंक यू मेरे तरफ से सभी को, थैंक यू जितने वहाँ पे लोग थे। तो बट आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करता हूँ, तो चलता हूँ अभी फ़िलहाल नाश्ता करने, नाश्ता करके आऊँगा तो फिर बाहर चलूँगा किधर किधर घूमने के लिए। मैं ऑलमोस्ट सभी जगह आपको दिखाऊँगा। फिलहाल तो मैं अभी खाना स्टार्ट कर दिया हूँ अपना नाश्ता। ये देख लो, ये सेम की सब्ज़ी मैंने इसमें खाया भी ऑलरेडी, और ये आलू और मटर का सब्ज़ी आ गया है, और इसके बाद चावल है, इसमें घी भी डाला हुआ, थोड़ा रोटी है, सब अभी गर्मा गर्म है। तो मैं अभी फ़िलहाल नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद कहीं चलेंगे बाहर घूमने के लिए। तो बस फ़िलहाल तो मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया है, नाश्ता वास्ता करके आया हूँ, तो अब तो फ़िलहाल कुछ करने का मूड कर रहा है आई थिंक, बट थोड़ा सा पढ़ाई कर लेता हूँ। पढ़ाई कर लूँगा तो कुछ ज़्यादा मन लग जाएगा, कुछ मैं यार खांसी कुछ मतलब भी लिखूँगा। तो चलो गाइस अब चलते हैं छत पे, उसके बाद कुछ लिखते हैं, फिर चलेंगे बाहर। इस बार अगर बाहर जाएंगे तो चलेंगे किधर घूमने के लिए, प्लान तो बना रहे हैं इसे, कोई लड़का मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अकेले चलना पड़ेगा। फिर ठीक है, अब चलते हैं छत पे। तो है गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, मैं हूँ जाफरान ब्लॉग और आप देखते हैं जाफरान ब्लॉग। तो गाइस अभी तो फ़िलहाल मैं हूँ ऑलमोस्ट अपने घर के पास मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ अभी, क्योंकि सुबह से इसे स्टार्ट किया था नाश्ता के बाद, जो कि दोपहर में मेरा 2 बजे ब्लॉगिंग बंद हो गया था आई थिंक। बट खाना वाना खा के हो चुका हूँ अभी तक रेडी, तो अब मैं आपको घुमाऊँगा अरे यार खाई, अब मैं आपको घुमाऊँगा अपने घर से, अपने KTM से आपको मैं ले चलता हूँ उधर, मतलब उधर ले चलता हूँ, आगे जितना भी चीज़ आएगा मैं आपको दिखाऊँगा। तो गाइस चलते उधर, पहले अपने KTM को लाते हैं। तो मैं अपना KTM का हाल आपको ये दिखा दूँ, क्योंकि अच्छा दिन से मैं चला नहीं रहा हूँ अपना KTM, ये लगभग 5-6 दिन से, तो इसका हैंडल टेढ़ा हो गया, ये सब टेढ़ा है, तो छोटका भाई मेरा चलाया होगा, ये सब हाल कर दिया ख़राब। तो गाइस अभी तो पहले इसको ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद चलते हैं, इसमें ऑलमोस्ट तेल उल भी डालना पड़ेगा। तो गाइस अभी तो चलते हैं, पहले इसको ठीक करते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। तो गाइस अभी तो फिलहाल मैं अपने साइकिल पर चल रहा हूँ, और अपने साइकिल पर से मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको ये नज़ारा, जो कि शाम का वक्त है, काफ़ी प्यारा सा ये नज़ारा होगा आपको, आप ऑलमोस्ट पहले से ही देखेंगे, लेकिन बट अभी फिर से ये मैं एक बार और फिर देख रहा हूँ कि दरियापुर में आपको फिर से दिखा रहा हूँ, जो कि जामा मस्जिद तक मैं आपको लेके जाऊँगा, जो कि काफ़ी शानदार नज़ारा है ये दरियापुर जामा मस्जिद के पास तक मैं आपको दिखाऊँगा उसे, बट उससे आगे भी मैं चलूँगा, उससे आगे भी ऑलमोस्ट मैं आपको दिखाऊँगा। ये काफ़ी खास होने वाला है ये वीडियो, आप लोग पूरा एंड तक जुड़े हुए जरूर देखें। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ मैं जामा मस्जिद के पास, आप भी देखो जामा मस्जिद का नज़ारा, अभी मैं आपको ले चलता हूँ बाटा मोड़ तक, बाटा मोड़ का भी बट मैं आपको आज नज़ारा दिखा दूँगा। उससे पहले मैं आपको आज दिखा देता हूँ बॉल मिल, तो बाटा मोड़ छोड़ो नहीं जाएंगे, बॉल मिल ही आपको मैं आज दिखा देता हूँ नज़ारा, क्योंकि आप लोग पहले उधर नहीं गए होंगे, तो चलो उधर। तो गाइस फिलहाल तो मैं आपको ले चल रहा हूँ बॉल मिल, क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, लेकिन ये सन्नाटा रहता है इधर,
तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये फर्टिलिटी आपको अगर ये 8 क्लास का हो गया, मैंने 5 क्लास किया स्कूल में, अब जाके ये 8 क्लास तक हो गया। मैं आपको आगे भी नीचे हुआ, आगे भी काफ़ी ज़्यादा मस्त जगह है। ये पहले जहाँ चमड़ा का कारखाना था जो कि अब ख़त्म हो चुका है, बाटा का वो कारखाना था चमड़ा का, जिसे प्यार से बॉल मिल भी कहा जाता है। तो मैं आपको उधर ले चलता हूँ, ये है उधर ही का रास्ता, तो मैं आपको उधर दिखाता हूँ। तो फिलहाल तो ये है कब्रिस्तान, जो कि दरियापुर जमा मस्जिद का ही कब्रिस्तान, दरियापुर पंचायत का ये कब्रिस्तान जगह। ये काफ़ी इसको भी मैं आपको सपोर्ट करवाऊँगा फिलहाल, बट पहले आप ये देख लो यहाँ मिलता है राशन। तो वैसे भी मैं आज कहूँ बॉल मिल कि बस थोड़ा ही दूर बचा है, आपको वहाँ देखा वहाँ पर एक्सपोर्ट करवाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा मस्त नज़ारा होने वाला है जगह, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस ये देख लो यही है बॉल मिल जो कि यहाँ पे लगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा गेट, देखिए अब नहीं, अभी ये पूरा ख़त्म हो चुका है। ये सब देख लो, काफ़ी ज़्यादा मस्त यहाँ पे नज़ारा था, बॉल मिल का चमड़ा का कारखाना था पूरा, जो कि अब नहीं है। तो गाइस फिलहाल तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ NH 31 पे, NH 31 का एक्सप्लोर आज मैं आपको करवाऊँगा। तो गाइस चलते हैं, मेरे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें और समझें, मैं आपको कभी भी कुछ भी दिखा सकता हूँ। तो गाइस बने रहें मेरे साथ। ये देख लो, ये पूरा बॉर्डर का नज़ारा। तो अभी मैं आपको फिलहाल तो लेकर चलता हूँ, वो हाईवे है जो कि NH 31 है, बाईपास NH 31। तो अभी मैं आपको वहाँ का एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा खास चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, वो है पेपर्स कंपनी, जो कि बहुत ही बड़ा कंपनी है पेपर्स का। मैं अभी ऊपर चलता हूँ, ऊपर से भी मैं आपको दिखाऊँ कुछ नज़ारा। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ NH 31 पे और ये है पेपर्स कंपनी, ये है पेपर्स कंपनी। मैं अभी आ चुका हूँ NH 31 के ऊपर, NH 31 के ऊपर अभी मैं घूम रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर आपको मैं करवा रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक, कभी भी मैं आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको आगे दिखाऊँगा स्ट्रॉबेरी यहाँ लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी है, आप इधर देख सकते हैं, ये भाई पास में स्ट्रॉबेरी का खेती होता है। और आपको मैं यहाँ का नाम भी देखो लिखा देता हूँ, गोलू स्ट्रॉबेरी, NH 31 पे है, दरियापुर पंचायत में ही है। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ बेपास, जो कि दरियापुर पंचायत में पड़ता है बेपास, और मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वो देखो मुर्गी फार्म, वहाँ पर अंडा मिल सकता है आपको, उम्मीद है आप जाके अंडा ले सकते हैं। अभी तो फिलहाल चलता हूँ आगे, आगे से आपको कुछ दिखाऊँ, कुछ प्यारा से नज़ारा आ रहा है सामने, रामा पेट्रोल पंप के सामने नज़दीक। और ये है NH 31, इधर से दरियापुर पंचायत जाएगी, तो आगे मैं आपको बाटा मोड़ से घूमाऊँगा, क्योंकि काफ़ी मस्त नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो गाइज ये है अख्तर जी का दुकान, ये अख्तर जी अख्तर इलेक्ट्रीशियन, उनका बेटा अख्तर इलेक्ट्रीशियन ओनर का ये है बेटा, जो कि आप देख सकते हैं इनके। फिलहाल तो आप ये देख लो, ये है मेहर होटल, एक्चुअली मैं इसको बोला मैयर होटल, लेकिन ये है ओरिजिनल में मैयर मोटल, और उसके बगल में मेहरानी होटल। और ये है रामा पेट्रोल पंप, जो कि दरियापुर पंचायत में टोटल का टोटल पड़ता है, रामा पेट्रोल पंप, मैयर मोटल, मेहरानी होटल, मेहरानी लाइन वे होटल, ये सब पड़ता है दरियापुर पंचायत के अंदर। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो जान लें, ये है NH 31 बाईपास हाईवे। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बाटा मोड़ से वापस से घर का रहता, बाटा मोड़ भी आज आप घूम लेंगे। तो गाइस ये है दरियापुर का लास्ट जगह, दरियापुर का सीमा रेखा यही है, जो कि है बाटा मोड़ बसंत देव चौक। तो गाइस ये है दरियापुर का अंतिम छोर, और ये है दरियापुर की अंतिम छोर की मंदिर। तो अभी तो मैं फ़िलहाल हूँ बाटा मोड़ में, बाटा मोड़ से अभी मैं सीधा चलता हूँ घर के रास्ते वापस। तो ये देख लो, ये है बाटा कंपनी, और ये है बाटा चप्पल वाला, बाटा इसके अंदर चप्पल मिलता है। तो आगे मैं जब भी चलता हूँ आगे मैं जब दिखाऊंगा। तो है गाइस, मैंने आज आपको कितना जगह एक्सप्लोर करवाया है, कितना जगह आज मैं आपको घुमाया हूँ, बॉल भी दिखाया, मैं होटल देखा, काफ़ी ज़्यादा मैं आपको अच्छा नया दिखाया हूँ। तो आपको अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, एंड हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।